वेलकम बैक टू पाई मैटर्स क्लास 10 स्टूडेंट, मैं आपका भैया अनुराग सिंह आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं हिंदी को 15 दिन में कैसे कंप्लीट करें, और भी ऐसा कि हम 100% तो नहीं कर सकते क्योंकि नंबर काट लेते हैं, 95+ पा सकें और अपने ऊपर खुद कॉन्फिडेंस रहे कि हमारा नंबर कोई काट नहीं सकता, बिना स्ट्रेस लिए और बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी अब ये कितने दिन की है, 15 डिस्प्लेज हमें शपथ लेना है 15 दिन के लिए कि हम इसको करके रहेंगे। और कितना नंबर हम लोग टारगेट करेंगे जानते ही हैं हम लोग का, इस बार का नारा 95+ हमारा, फिर से इस बार का नारा 95+ हमारा। तो पहले 3 दिनों में हम लोग क्षितिज करेंगे, क्षितिज में जो कविता है उसको काव्य बोलते हैं। तो सूरदास के पद और जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसको एक दिन में करेंगे, तो यहां से एक दिन हो गया। और आत्मकथ्य और उत्साह अट नहीं रही है इसको दूसरे दिन करेंगे। फिर यह दंतरित मुस्कान, फिर उसको इसी में छोटा सा है एक चैप्टर फसल और संगीतकार, इसको भी तीसरे दिन करेंगे। तो यहां से कितना दिन लग गया, यहां से आ गया 3 दिन। फिर उसके बाद व्याकरण में आएंगे, व्याकरण में हमें जो मेन टॉपिक है जैसे रचना के आधार पर वाक्य के भेद, इसके लिए एक दिन मैं दे रहा हूं और एक दिन कंप्लीट हो सकता है। दूसरा वाच्य, पद परिचय, चौथा अलंकार, 4 दिन में 4 चैप्टर ये पॉसिबल है। और उसके बाद लेखन, जैसे पत्र लेखन आता है ना वैसे ही, इसमें पहले हम लोग इसमें भी 2 दिन करके चलेंगे। आप ऐसा एडजस्ट करिएगा, या फिर इसको 2 दिन करिए या इसको 2 दिन, जो उसमें लंबा है उसको, जैसे अनुच्छेद लेखन है इसको आप 1 दिन दे सकते हो और 2 दिन इन दोनों को दे सकते हो। तो इसको कितना दिन में करना है, 3 दिन में करना है और ये भी संभव है। फिर गद्य में हमारे पास 6 पाठ हैं जो कि इस बार 2023 में आने वाले हैं, जो भी डेट मिटा दिया गया है सिलेबस में से, मतलब खत्म कर दिया गया है, उसे मैंने नहीं लिखा है। और वही पाठ हैं, वही चैप्टर्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में हैं, जो भी सिलेबस में नहीं है इस बार वो नहीं लिखा गया है। तो अपने माइंड से कंफ्यूजन हटा दीजिएगा कि कौन से चैप्टर आने वाले हैं, यही चैप्टर है और यही हमें पढ़ना है। तो इसमें ये दो दिन करेंगे, 1 दिन 2 चैप्टर, 6 चैप्टर हैं, 3 दिन में कंप्लीट होंगे। पहला है नेताजी का चश्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, लखनवी अंदाज, एक कहानी यह भी, नौबत खाने में इबादत, संस्कृति, ये दोनों साथ में होंगे, ये दोनों साथ में होंगे। ऐसे कितना आ गया, 3 दिन आ गया, 3 दिन इधर लग गए हमारे। और कृतिका में से जो आने वाले हैं उसमें में से जो ये है माता का आंचल को हम लोग इन दोनों को ऐसे कंप्लीट करेंगे कि 2 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप कहना बीच में उसको रोक भी सकते हो आधा, या फिर 1 ही 2 दिन दोनों कर सकते हो, फिर उसके बाद 1 दिन कर देना, फिर लास्ट में बाइंड अप कर देना। तो ऐसे हमारे कितने दिन आ गए, यहां से आ गए 3+4 7 दिन, 3+10 = 13, 2+15 और 15 दिन काफ़ी हैं हिंदी कंप्लीट करने के लिए। अब लोग बोलेंगे कि हिंदी तो ये सब्जेक्ट है, ये आपको लगता है, आपको लिखने पे ध्यान देना है। मैं सिर्फ चैप्टर्स पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा करने के लिए बोल रहा हूँ कि आपसे तुरंत टेस्ट लिया जाए, तुरंत आपको याद रहे और आप तुरंत दे दें ऐसा, और हमें हिंदी से भी मार्क्स मिलेंगे। और कहीं ना कहीं जो हिंदी के लिए रिस्पेक्ट है वो हमारे देश में हिंदी खोती जा रही है, खो नहीं रही है, वो आप लोग खुद उसको उतना आज उसका आदर नहीं कर रहे। हिंदी हमारी मातृभाषा है, बहुत सारे भाषा हैं लेकिन सभी भाषाओं का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी होगा आपके लिए, मुझे लगता है मेरे हिसाब से 15 दिन लगा देंगे तो आप आराम से अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसा है कि दिन भर हिंदी को नहीं करना है, टाइम पे 1-1 घंटे 2-2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, दिन भर में 1 घंटे दे देंगे तो कोई बात नहीं होगा। और ऐसा टाइम भी चल रहा है कि आपको लास्ट टाइम पे काम करना होगा, अगर नहीं किया तो फिर पछताएंगे जिंदगी भर। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, और अपने जो आपके सीनियर्स हैं उनको मैं भी शेयर कर देना ताकि इस चैनल का भी ग्रोथ हो सके। और मैं ऐसा करता हूं कि मेरी ये प्लानिंग आपको पसंद आई होगी, आप हमें कमेंट कर सकते हो कि कैसी लगी ये प्लानिंग और क्या आप इसे फॉलो करने वाले हो, तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर जिस दिन कमेंट किया हो उसके बाद जब फाइनल हो जाए तो कह देना हाँ मैंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है और मैं तैयार हूँ एग्जाम के लिए।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।